अंदर एक ही टाइम में ये कांस्टेबल से एडिशनल डीसीपी डीसीपी तक एक ही टाइम में पूरा ये सूदखोरों के ऊपर वो रेड्स कराया। सुबह से अभी तक लगभग 65 मेंबर्स को कस्टडी में ले गया था। उसके ऊपर 18 केसेस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कर दिया और उन लोगों के अरेस्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो उनके ऊपर सेक्शन 3 और 5 तेलंगाना मनी लैंडिंग एक्ट एंड 384 मतलब एक्सटॉर्शन फोर्स गुली में 30% 40% वो ले रहा है। वो कानूनी का विरुद्ध होता है, इज अगेंस्ट लॉ। सो उसके बारे में ये सूदखोर सबसे गरीब लोगों का, मिडिल क्लास वेजिटेबल वेंडर्स फ्रूट वेंडर्स का पूरा ऊपर अथॉरिटीज लगा के वो लोग पैसा ले रहे हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई बनाने के लिए पुलिस संसिद्ध कर दिया गया। उसके बारे में आज ये रेड कर रहा है। आज से ये पूरा ख़त्म होने तक ये रेड्स कंटिन्यू हो जाएगा। अभी तक ये विक्टिम्स कोई बाधित है वो लोग नहीं आ रहा है धैर्य से, क्योंकि वो लोग और इंटरेस्ट बढ़ाएगा, सूद बढ़ाएगा इसको सोचकर, ये गलत है। उन लोगों का पूरा भरोसा दे हमारा पुलिस तरफ से कांस्टेबल से डीसीपी तक उन लोगों का भरोसा देने के लिए 100% मदद करने के लिए हम तैयारी है। सो वो निर्भय से रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के तुरंत उन लोगों का जो आदमी उनका ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है, उनका लेडीज़ को ऊपर कोई अनुचित कार्यक्रम कर रहा है और जब्त कर रहा है, किडनैप कर रहा है, वो लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई, उन लोगों को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए हम तैयारी है। 384 एक्सटॉर्शन केस अभी बना हुआ है, वो लोगों के रिमेंड करेंगे। और वो 5 आदमी के ऊपर ये पीडी एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए रिकॉर्ड बना रहा है। आज 2-3 पहलवान का घर के ऊपर भी रेड कराया है, क्योंकि वो का मोहम्मद पहलवान ये रउडी शीटर था रेन बाजार का, जफर पहलवान और सालम पहलवान ये घर पे जो प्रोसीजर में उनका रेड कर दिया गया। ये मोहम्मद पहलवान ये चिट्ठी को 6 लाख कलेक्ट करके वो नहीं दे रहा है। वो विक्टिम आके निर्भय से केस रिपोर्ट कर दिया, हम एक्सटॉर्शन 420 को केस कराया। और जफर पहलवान के बेटे हुसैन आलम में कुछ झगड़ा में इन्वॉल्वमेंट थे। इसी ऊपर कोई पहलवान, कोई रउडी गुंडे
ये इलीगल फाइनेंस के बारे में, सूद खोर के बारे में किसी मासूम गरीब लोगों का और मिडिल क्लास का कुछ करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कंटिन्यू करेंगे, उनका पीडी एक्ट लगाएंगे। ये राइट्स अभी भी कर रहा है पूरा पॉलिसीज में, ख़त्म होने तक, कंट्रोल होने तक, ये पब्लिक कंफर्ट जोन में आने तक ये राइट्स कंटिन्यू हो जाएगा। ये मीडिया से उन लोगों का अपील है, वो निर्भय से, धैर्य से, आप हिम्मत से पुलिस को, पुलिस स्टेशन को, इंस्पेक्टर, एसीपी, एडिशनल डीसीपी मैं हूँ और कमिश्नर साहब है और कमांड कंट्रोल है 100 है, किसी रूप से कंप्लेंट करेगा तुरंत तो उन लोगों को एक्शन करने के लिए हम हमेशा तैयार है, 100% मदद करेंगे। तो उन लोगों का पूरा सेल फोन बंद करके वो भाग गए थे, उनका एक दिन एनी टाइम में उनका हमारा क्लूज है, उन लोगों के एनी टाइम विद इन 1 आवर 2 आवर्स में 3 टीम उसका बारे में ढूंढ रहा है, उनको लोग अरेस्ट करेंगे। अभी जफर पहलवान भी हमारा कस्टडी में है, सो उनका इंक्वायरी कर रहा हूँ, उनका वो मना कर रहा है, लेकिन ये 50,000 के लिए इतना दारुण रूप से स्टैफिंग करना ये मना है, इट्स नॉट एक्सेप्टेड बाय पुलिस आर लॉ आर पब्लिक। सो इसी तरफ से हमारा पुलिस तरफ से फैसला कर दिया गया है, वो सूद खोर को पूरा कंट्रोल करके उनके ऊपर आयरन फूट से कंट्रोल करेंगे। पीडी एक्ट से वो एक्सट्रैक्शन कार्य में पीडी एक्ट के थोड़ा एक्ट बारे में कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर है, वो विद इन वो पैरामीटर्स का अंदर पीडी एक्ट करना है। सो अभी तक 5 लोगों को थोड़ा नज़दीक आ गया, उनका रिकॉर्ड बनने के बाद वो 5 लोग को पीडी एक्ट में रिमांड करने के लिए सीबी साहब को, हमारा हैदराबाद कोतवाल साहब को प्रतिपादन इंस्ट्रक्शन दे। 100 तक ये छोटा मोटा बड़ा इसी तरफ से वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन अभी सब लोग मेरे ख्याल से बहुत लोग भाग गए थे, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं, सबको ऊपर केस लगा के ये पूरा बंद करना है, आज से बंद करना है। अगर नहीं बंद करे, कंटिन्यू करेगा तो हमारा रेट्स भी कंटिन्यू करेंगे, उनका कंट्रोल करने के लिए, सामान्य लोग को प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके, ऊपर फाइनेंसर्स को लगा के क्राइम कंट्रोल में लास्ट ईयर में एक मीटिंग भी कंडक्ट कर दिया गया, वो जबरदस्त व्हीकल सीज करना, फोर्सफुल से लेना, बिना एक्नॉलेजमेंट लेना, ये मना है। अगर इसी तरह फोर्सफुल का एट्रोसिटी आएगा तो हम पुलिस को आप कर सकते हैं, हम जरूर उनके ऊपर चट्ट प्रकार वो कानून का अनुसार हम एक्शन ले लेंगे। अभी तक 65 मेंबर्स को लाए थे, इंक्वायरी कर रहा हूँ, वो बहुत सीज कर दिया, उनका इंक्वायरी करने के बाद मालूम हो जाएगा। अभी तक 18 केसेस, क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड कर दिया। నామ క్యా అరే రైజ్ రే శశాంక్ దుష్యంత్ దుష్యంత్ ఎక్కడ ఉంది ముందు ఎక్కడ లైసెన్స్ రా లైసెన్స్ ఉందా ఓ మగా ఎంత నీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత డైలీయా డైలీ కలెక్షనా కలెక్షన్ డైలీయా ఓ మంత్ లేదు ఫైనాన్స్ భోజన కార్యాలయం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పూర్తి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి దీనికి సంబంధించి